वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर की। बेसिकली ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली डिटेल्ड जो टॉपिक्स हैं वो हमने डाल रखे हैं चैनल पे, ठीक है। और ये जो लेसन होएगा ये हम मोस्टली देखेंगे कि मेन मेन पार्ट क्या है इसके। बेसिकली जो इसमें दो चार पाँच रिएक्शन है वो देख लेंगे और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमने वो देखना है। तो बेसिक है ये, तो केमिकल रिएक्शन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंगली हम 8th से ये 7th 8th से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो भी मैं दो केमिकल, मान लो ए प्लस में बी, कोई भी दो प्रोडक्ट या फिर कह लो दो उत्पाद पदार्थ मैं कंबाइन करता हूं तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है मेरे पास। और इसको मैं कहता हूं कि दो चीजों, दो या एक, दो या दो से ज्यादा चीजों से एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो मेरा होएगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो वे होता है, या फिर जो कह लें कि केमिकल रिएक्शन को जो हम पेपर पे लिखते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन पॉसिबिलिटी, केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरी नहीं है कि हम दो चीजों को मिलाएं तभी जाके नया प्रोडक्ट बने या तभी उसे हम केमिकल रिएक्शन कहें। इसमें क्या होता है कि कई बार टेम्परेचर चेंज की वजह से भी मेरे पास नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कई बार क्या होता है प्रेशर की वजह से बन जाते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि विद, अगर हम आइस ले लें तो आइस से वाटर बनता है, बेसिकली बर्फ से हम पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम हीट का यूज कर लेते हैं या फिर हम बेसिकली नॉर्मल ही आइस को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही का ही पार्ट है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन मान लो क्या है कि केमिकल इक्वेशन एक तरह से केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसको ड्रॉ करने का जो वे होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम है, मैंने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, अब मैग्नीशियम का जो सिंबल है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हम Mg लिखते हैं, प्लस में ऑक्सीजन की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो O2 होती है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, MgO बन गया मेरे पास, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको जो मैं केमिकल, सॉरी नॉर्मली लैंग्वेज में मैं राइट अप करूंगा तो उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पे होती है, हाँ लेफ्ट साइड पे, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई जो चीजें रिएक्ट कर रही है और नई चीज बना रही है, और प्रोडक्ट का है जो वो बनी हुई चीज क्या है, और एरो इसमें है जो ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि मेरी रिएक्शन कहां से कहां जा रही है, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, एरो रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो होगी केमिकल इक्वेशन, राइट। अब इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम एक्चुअल में देखें तो इसके आगे कुछ ना कुछ लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल Mg है, O2 है, O2 बना, राइट। इसको बैलेंस करने के लिए कई बार तुमने देखा होगा कि यहाँ पे दो लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद इधर दो लगा देते हैं, तो ये एक प्रॉपर केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर ये एक साइड पे मॉलिक्यूल या एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि दोनों साइड, रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड, जो एलिमेंट्स या जो हम कंपाउंड्स मेरे हैं उनको इक्वल अमाउंट में बैलेंस करना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए बेसिकली 6-7 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, बट उससे पहले एक टॉपिक थोड़ा सा और है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे, इसलिए मैं इसको एडअप कर रहा हूँ, नहीं तो डिटेल में हमने करा दिया। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस किस वजह से होती हैं, फर्स्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, स्टेट में चेंज है। मेरी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से क्या है, स्टेट चेंज हो रही है,
या चेंज इन स्टेट है बेसिकली। तो उसे मैं क्या कहूंगा कि मान लो मेरे पास स्टेट्स, हम बेसिकली मोस्टली हम जो स्टडी करते हैं अब तक हमने वही पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, और इस चीज को, इस चेंज को मैं कंसीडर करता हूं चेंज इन स्टेट में। केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो हम वाटर का ले सकते हैं कि मान लो मेरे पास आइस है, आइस को मैंने हीट अप किया थोड़ा, सॉरी आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा, धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट होगी, उसको थोड़ा सा और टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी, सिंपल। उसके बाद है सेकंड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, इवेल्युएशन ऑफ गैस। इवेल्युएशन ऑफ गैस में बेसिकली क्या होता है कि मान लो मेरे पास जो गैस है कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान जो मेरे पास क्या है, गैस इवेल्युएट हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बात करूं तो HCl प्लस में मैंने कोई भी मैटर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल Na ले लिया, तो मुझे पता है कि Cl और Na मिलके मेरे पास NaCl नमक बनाएंगे, ठीक है। प्लस में मेरे पास H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा कि इस रिएक्शन में मेरा इवेल्युएशन ऑफ गैस हो रही है। एक एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं कि ये रिएक्शन मेरी एक एग्जांपल है इवेल्युएशन ऑफ गैस का, ठीक है। थर्ड मेरे पास है कि मेरे पास क्या हो, चेंज हो टेम्परेचर में, चेंज टेम्परेचर चेंज को सिंपली हम आइस वाला एग्जाम्पल ही कंसीडर कर सकते हैं कि तुमने आइस ली, उसको गर्म किया, वाटर बन गया, वाटर को और हीट अप किया तो वो तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल एग्जाम्पल्स है और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। लास्ट में है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में बेसिकली क्या होता है कि मान लो पहले आपके पास कोई ब्लू कलर का सब्सटेंस है वो ग्रीन हो जाए। अगर मैं चेंज इन कलर की बात करता हूं तो मान लो मेरे पास Fe है और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और Fe है, जैसे मैंने इसको रिएक्शन कराई तो मेरे पास Fe सल्फेट प्लस में कॉपर बनना है। अब इसका जो कलर है वो होता है ब्लू, ठीक है, और ब्लू कलर से ये बनता है मेरे पास ग्रीन, आई थिंक हाँ पेल है, ग्रीन, पेल ग्रीन बनता है, लाइट ग्रीन कह सकते हैं या पेल ग्रीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर स्टेट। चेंज इन कलर का तो बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि मान लो तुम्हारे पास मक्खन है, मक्खन को तुम हीट अप करते हो तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है, तो घी और मक्खन का कलर ज्यादा व्हाइट होता है, घी का कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से हम एज ए चेंज इन कलर का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी मेरे नॉर्मल जो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं इक्वेशन क्या होती है वो। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जो इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। बेसिकली आपसे रिएक्शन बैलेंस करवा लेंगे और या फिर आपको कोई हाफ रिएक्शन दे देंगे और उसको कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट करिए और इसको बैलेंस भी करिए, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें मान लो मेरे पास Fe प्लस में O2 इज इक्वल टू Fe3O4, तो आयरन प्लस में ऑक्सीजन है और मेरा चेंज किस में हो रहा है, ये सॉरी H2O, ऑक्सीजन के साथ करते नहीं है, H2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये है फेरस ऑक्साइड बन रहा है बेसिकली। तो इसमें क्या है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं डब्बा, बैलेंस करना है हम अभी। अब देखो इधर हाइड्रोजन दो है, इधर दो है, चलो हाइड्रोजन बैलेंस, इधर ऑक्सीजन फोर है ना, इधर है ही नहीं ऑक्सीजन फोर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे बनेगी, तो इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और जो बैलेंस इक्वेशन या रिएक्शन होती है वही एग्जैक्ट रिएक्शन होती है, राइट जो वे होता है रिएक्शन का। अब पहला स्टेप हमने ले लिया कि इस पे एरो जो हमने स्क्वायर बना लिया, डब्बा बना लिया। अब क्या है, जो भी लिखना है हम डब्बे के आगे लिखेंगे इस साइड, ठीक है ना, तो हमने यहां कुछ लिखना है ना यहां कुछ लिखना है ना यहां। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मान लो इधर फोर है यहां फोर लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखें कि जो भी आएगा डब्बे के बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है।
तो डब्बे के हमने बार बार लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि एलिमेंट कौन कौन से है मेरे पास। पहले मान लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, देखना है कि एलिमेंट कौन से है। लेफ्ट हैंड साइड आयरन का है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उधर कुछ है नहीं है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि आयरन कितना है, कितने नंबर ऑफ मोल आयरन है, एक है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का भी एक है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं, आयरन के तीन हैं, ऑक्सीजन के हैं मेरे पास चार और हाइड्रोजन के दो हैं। दो और चार, ठीक है ऐसे है। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं। अब सबसे पहले बैलेंस हम उसे करेंगे तीसरे स्टेप में, सबसे पहले वो बैलेंस होगी जो सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है पहले, तो इसको बैलेंस करते हैं। इधर चार है तो इधर मल्टीप्लाई फोर कर दो, इज इक्वल टू फोर, तो फोर मल्टीप्लाई हो गया, फोर आगे। अब ये फोर कहां लगेगा, ये फोर यहां नहीं लगाना, यहां लगेगा इसके आगे फोर, ठीक है। अब जैसे ये फोर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो उसी तरह ये फोर हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गए आठ, ठीक है। तो इस साइड आठ हाइड्रोजन है और चार वाटर, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन कंप्लीट है बट वो हाइड्रोजन उधर दो ही है, तो उधर भी मल्टीप्लाई कर दो फिर चार का, ठीक है। तो इससे मेरे पास मेरे दो एलिमेंट बैलेंस हो गए, ठीक है मेरा, हाँ सॉरी आठ है, तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस है, मेरा हाइड्रोजन बैलेंस है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो रह गया मेरा लास्ट वाला उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले यही चूज किया कि ऑक्सीजन मेरा बैलेंस करना था, मुझे बैलेंस कर दिया मैंने। उसके बाद अब ऑटोमेटिकली इधर आठ हो गए थे, ऑटोमेटिकली मैंने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया, उधर आठ कर दिए। तो अगले स्टेप में मैं करूंगा एफ ई, इधर कितने हैं एक है, उधर एफ ई तीन है, तो सिंपली इस साइड एफ ई को तीन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एफ ई अकेला ही है, ठीक है। तो ये आ गए। अगले स्टेप में क्या करोगे, तुम ये इस रिएक्शन को विदाउट स्क्वायर लिखोगे, तो थ्री एफ ई प्लस में फोर एच टू ओ एरो एफ ई थ्री ओ फोर प्लस में फोर एच टू। तो दिस इज योर केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस हो चुकी है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिर्फ इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है कि जो आयरन है वो किस स्टेट में होता है, मोस्टली सॉलिड होता है, तो एस वाटर लिक्विड में है तो एल, ये फिर सॉलिड बनेगा और ये फिर गैस। और अब जो ये इक्वेशन बनी है ये प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। तो इसके अब ये इसके कुछ एग्जांपल मैं जो पीडीएफ है उसमें दे दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे या जो यूजफुल हैं, जो आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की, वो तो वो पीडीएफ से सॉल्व करना है ना। अगर कुछ नहीं सॉल्व होता तो मैंने अनाउंसमेंट में नंबर दिया था, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पहले जो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसका तो नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कंबाइन होना है। अब एक या एक से एक को क्या ही कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज्यादा जो केमिकल्स होंगे हम उन्हें कंबाइन करेंगे और एक तीसरा नया केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, वही मेरी केमिकल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ए प्लस में बी मेरे पास केमिकल है, इससे मैंने पी बना दिया, ठीक है। तो दिस इज आवर केमिकल रिएक्शंस। और इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, हाँ तो मान लो मेरे पास कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस में वाटर से मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो इसमें क्या होना है, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होना है। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ बैलेंस सॉरी केमिकल रिएक्शन का, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो ये है। और बेसिकली इसको कहा जाता है क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी कह देते हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कह देते हैं। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, तो ध्यान रखना क्विक लाइम मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है।
अब जब ये रिएक्शन कंबाइन हो रही होती है तो इसके साथ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही तुम क्विक लाइम को वाटर में डालोगे तो उसके साथ हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट हमारी जो है प्रोड्यूस हो रही है विद इन द रिएक्शन या रिएक्शन के दौरान, मान लो मेरे पास क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान मेरे को जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हीट, लाइट या एनर्जी निकल रही है, तो उस जो और जो टाइप की रिएक्शनें होंगी उन्हें मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि ऐसी रिएक्शनें जिनमें एंड प्रोडक्ट या जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें मुझे को हीट एग्जिट हो, एग्जिट ऑफ हीट हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट। अब जैसे इस रिएक्शन है, दोनों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने से मेरे पास ये दोनों बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और इसको कहा जाता है बेसिकली लाइम वाटर। तो लाइम वाटर मेरे पास बना कंबाइन होने से, उसके साथ मेरे पास बहुत ज्यादा हीट निकली। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शनें होंगी उन्हें मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक। और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का, तो जो हमारे जो रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस, वो एक तरह से एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस को भी हम एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें जो ग्लूकोज है उसके साथ में ऑक्सीजन मिलती है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट और एनर्जी निकलती है, तो वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेरे पास एक प्रोडक्ट जो, या भी मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उससे मेरे पास दो या दो से ज्यादा, मतलब मान लो मेरे पास ए है, ए को मैंने हीट अप किया, या जो भी मैंने, एक सेकेंड, डीकम्पोजिशन ही है ना। डीकम्पोजिशन में बेसिकली क्या केस है कि मेरे पास मान लो ए है और ए से मेरे बी प्लस में सी बन रहा है, तो इस टाइप की जो रिएक्शनें होंगी उन्हें मैं कहूंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर इसकी मैं बात करूं, बेसिकली इसको थर्मल डीकम्पोजिशन भी कह देते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको थर्मल कह देते हैं कि हीट जब भी इन्वॉल्व होगी हमारी रिएक्शन में तो उसे हम थर्मल में कंसिडर करते हैं, तो थर्मल डीकम्पोजिशन भी सेम होती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन और थर्मल डीकम्पोजिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस थर्मो में क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में हीट इन्वॉल्व हो जाती है सिंपली। तो Fe(SO4) मेरे पास है, इसको मैंने हीट किया, तो हीट करने से मेरे पास क्या बना इसका Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है मेरे पास उसे मैं कहूंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हीट इन्वॉल्व होती है, राइट। तो हीट की मतलब की है जो इनिशियल या इसका ड्राइविंग फोर्स होता है वो हीट होता है, तो जब भी हमें हीट देनी पड़ रही है किसी चीज को, तो उस टाइप की जो रिएक्शनें होंगी उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब तुम्हें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी चीज को, तो रिएक्शन को ड्राइव कराने के लिए, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, अब एंडोथर्मिक का एग्जांपल बेसिकली लेड नाइट्रेट वाला है, बुक में वो देख लेना, कई बार वो ही आ जाता है, और वो आता भी नाम से है, और बच्चों को ज्यादातर नाम नहीं पता होता, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। ठीक है, PbNO3। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो ये लेड नाइट्रेट को जैसे तुम हीट अप करोगे तो इससे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये बुक में रिएक्शन दी है वो देख लेना, डिटेल में हम इतना नहीं जा रहे क्योंकि हमें ओवरऑल रिवीजन टाइप कंसीडर करना है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और है, वो होता है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास पहले के टाइम पे जो जो होते थे, जो नरेटिव होते हैं, ठीक है, वो एक छोटे छोटे फिल्म टाइप सी होती है, उसको एक केमिकल में बोया जाता है, वो केमिकल होता है AgNO3, सॉरी AgBr। AgBr को फिर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये ब्रेक हो जाता है Ag+ में Br2 में। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट हम साथ में कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए साथ में करा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लो मेरे पास ए बी कोई सब्सटेंस है और सी से मैंने रिएक्शन कराई, या फिर ऐसे कर लो ए मेरे पास सब्सटेंस है बी सी से मैंने रिएक्शन कराई, मेरे पास ए बी प्लस में सी बन गया। मतलब क्या है कि इसने इस पे अटैक किया और ये इधर से ऐसे निकल गया। रिप्लेस कर देना किसी चीज को, डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, किसी की पोजीशन चेंज कर देना, वो होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए बी है मेरे पास और सी डी है मेरे पास। अब इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो रहा है कि इसकी बी की जगह ये बी यहां आ रहा है और डी यहां आ रहा है, तो ए डी प्लस में बी सी बन रहा है, तो ए क्या होएगा मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर दो केमिकल या दो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स अपनी पोजीशन चेंज करें रिएक्शन के दौरान तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज अगर एक ही केमिकल या एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो होएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल है Fe प्लस में CuSO4। अब क्या करेगा कि FeSO4 बन जाएगा प्लस में कॉपर बार निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट से मेरे पास आयरन सल्फेट बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकल डबल डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास मान लो सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन मैंने कॉपर क्लोराइड से करा दी। ठीक है, तो अगले स्टेप में मेरे पास क्या होएगा, अब जो सल्फेट है ये जाएगा इसके पास, ये क्लोरीन है ये आएगा इसके पास, Cl2 है सॉरी, तो मेरे पास 2NaCl और CuSO4 बन जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि अगर दो कंपाउंड अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, अगर एक कंपाउंड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं कई बार। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट मतलब कि सॉलिड, हमने दो चीजों को मान लो सॉलिड और लिक्विड को कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक नया सॉलिड और लिक्विड बना। ठीक है, वो जो सॉलिड पार्ट होएगा जो उसके क्रिस्टल टाइप बनेंगे उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे पास सोडियम सल्फेट होता है, जैसे तुम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में डालोगे BlCl2 में डालोगे तो प्रेसिपिटेट बनेंगे बेसिकली। ठीक है, अब ये होता है सॉलिड स्टेट में, एक्वास में होते हैं दोनों और एक्वास से सॉलिड बनता है BaSO4, एक सॉलिड स्टेट बनती है S, ये दोनों एक्वास में होते हैं और ये भी एक्वास में होते हैं, एक्वास से सॉलिड बनता है प्लस में NaCl बनता है। ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे पास, किसके BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनेंगे इसमें, ना कि NaCl के, ये तो एक्वास में ही रहेगा। ठीक है, तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनेंगे और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे, जिस रिएक्शन में कंबाइन होकर या दो चीजें अपनी पोजीशन चेंज करके है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही, क्योंकि इधर SO4 ने अपनी पोजीशन चेंज की, इसमें Cl ने चेंज की, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करके ये बनाया, बट जब ये बनाएंगे तो साथ में सॉलिड पदार्थ बनेगा और सॉलिड पदार्थ को हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। और नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, टेंथ में नहीं होती बट एक्चुअल में बहुत होती है, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। और प्लस वन प्लस टू में तो इस पर पूरा पूरा एक चैप्टर ही है केमिस्ट्री में। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अब रिडॉक्स रिएक्शन में मेनली हम कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
और सेम है तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो रिडक्शन है उसमें होता है हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस, और ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का गेन एंड हाइड्रोजन का लॉस। अब जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी रिएजेंट ऑक्सीडेशन कराता, जो भी रिएजेंट या जो केमिकल ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। अगर और जो रिडक्शन करवाता है उसे कहते हैं रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये होते ही कैसे है वो देखो, कि मान लो मेरे पास कॉपर है प्लस में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, एक सेकंड मैं यही लिख रहा हूँ नीचे ही। कॉपर प्लस में H2O, और इससे मिलके मेरे पास क्या बनना है, CuO प्लस में H2। तो कॉपर और वाटर की रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनी। तो इसमें क्या है, जो कॉपर है वो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन वाटर से मेरे पास हाइड्रोजन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थी वहां पे है नहीं, ठीक है। अब इसमें लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो क्या होएगी मेरे पास, ये रिडक्शन। अब जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्शन में मेरे पास अकेला लॉस ही हो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है, अगर ऑक्सीजन का लॉस है तो भी वो रिडक्शन है, ठीक है। अगर दोनों हो रहे हैं फिर तो रिडक्शन है ही है। इसमें क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो भी रिडक्शन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो भी वो ऑक्सीडेशन रहेगी, और अगर दोनों है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन थी। उसके बाद एक क्रोजन और एंसिडिटी, छोटे छोटे दो टॉपिक है, एक्चुअल में उसमें कराने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसमें तुमने बेसिकली क्या करना है कि जो मेरे पास क्रोजन होता है उसके बारे में जनरली हम दो चैप्टरों में पढ़ते हैं, चाहे तो तुम इसमें पढ़ लो या अगले चैप्टर में पढ़ लो, ठीक है। मेरे ख्याल से मेटल एंड नॉन मेटल में। और रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है, कि रेंसिडिटी का हम बेसिकली जो कुरकुरे के पैकेट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा उनमें हवा भरी होती है और कुरकुरे बहुत कम होते हैं। कारण क्या है, उसमें हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि उन्हें बहुत देर तक स्टोर किया जाता है। बेसिकली स्टोरेज में क्या होता है कि वो खराब ना हो, लॉन्ग टर्म तक पड़े रहते हैं वो, उनको खराब यानी कि उनके टेस्ट में कोई चेंज ना आए या वो गले ना, ठीक है, डिकम्पोज ना होना शुरू हो जाए, उसकी से प्रोटेक्शन के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन को ही रोका जाता है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट उसमें भरा जाता है। तो जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, जो रेंसिडिटी से बचाता है, जो उसमें गलने से बचाता है। बेसिकली ये मेरा रेंसिडिटी कहलाते हैं हम, जो कि गलने से बताए रेंसिड रेंसिड होते हैं, जो ऐसे पदार्थ जो हमारे फूड रिलेटेड ऑयल रिलेटेड सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन इज ए गुड, नाइट्रोजन गैस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ रेंसिडिटी इन कुरकुरास चिप्स पैकेट्स, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म है। अब इसके कोई यूजफुल क्वेश्चंस जो हैं वो PDF में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, PDF का लिंक, या फिर मैं एंड में कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें इस वीडियो में, या तो एंड में मिल जाए या फिर तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए लिंक, उससे तुम PDF पे जाओगे, सॉल्व करने का ट्राई करना, जितने हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो या तो तुम अप्रोच कर सकते हो जो मैंने नंबर दिया हुआ है अनाउंसमेंट वाली वीडियो में उससे, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सोल्यूशन, ठीक है। तो कल इसका हम PDF का पहले सोल्यूशन डालेंगे, फिर नई क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।